अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हम हैं आरिफ मोइन शेख के पास, MIM लीडर, जो कल गाँव देवी डोंगर पर इन्होंने विजिट किया था। काफ़ी 600 से 700 घरों को करीब 5 दिन से पानी नहीं आ रहा था। इन्होंने कल विजिट किया, लोगों की तकलीफ सुनी। आइए जानते हैं कि क्या कहा लोगों ने उनको। आरिफ भाई, कल आपने विजिट किया तो लोगों ने क्या किया? पानी 5 दिन से नहीं आ रहा है, उसके बारे में आप क्या बोलेंगे? समीर भाई, ये पानी का किस्सा जो है ना, बहुत अनोखा है डोंगर पे। अनोखा इसलिए क्योंकि यहाँ पर सब लोग है ना, एक माफिया बना के रखा हुआ है। क्या भाई, पानी का टोटल माफिया का काम चलता है और ये सब चला रहे एक पार्टी के लोग। ये पूरा माफिया का काम है ना, ये लीडर के हाथ के नीचे जितने काम करते हैं ना, ये वो लोग कर रहे हैं। आज देखो, डोंगर के ऊपर 5 दिन से 600-700 घरों में पानी नहीं था। आज जो टाकी चला रहा था वो पब्लिक के कांटेक्ट में नहीं था। आज हर महीना जैसा महीना होता है तो मैं समझता हूँ वहाँ पर 300-400 रुपए का एक घर से कलेक्शन है। अगर 700 घर से आप पकड़ोगे तो महीने का कम से कम 2 से 2.5 लाख रुपया जमा होता है। आज ये 2 से 2.5 लाख रुपया जब पब्लिक देती है तो मेरे को ये बताओ, क्या भाई अडानी का 20 लाख रुपया बोलते हैं क्या बाकी है? BMC के पानी के बिल का कम से कम 10 लाख रुपया बाकी है, तो लगभग यानी ये 30 लाख रुपया हो गया। जब पब्लिक हर महीना 2 से 2.5 लाख रुपया दे रही है तो इनको चोरी की लाइट लेने की क्या जरूरत है? ये बिल क्यों नहीं भर रहे हैं तो मेरे ये नहीं समझ में आ रहा है। और आज पब्लिक 5 दिन से, अगर इनको पानी नहीं था तो इसमें पब्लिक की क्या गलती है? आप मेरे को बताओ, क्या ये लीडरों ने, ये जो टाकी थी इसको बनाया था अशोक यादव ने, और इसने जो है कांग्रेस के ब्लॉक प्रेसिडेंट को चलाने दे दिया। आज आप वहां पर जाके पूछो क्या भाई ये टाकी का क्या हाल है, तो मैंने कल ये पता मालूम पड़ा है कि भाई मैंने 300-400 एक एक कनेक्शन का 25,000 रुपया 30,000 रुपया लोगों से वसूल किया जा रहा है। तो ये पैसा जा रहा किधर है? आज कुछ भी नया काम निकलता है, ये लोगों के पास जाते हैं क्या भाई 2,000 दो, 3,000 दो, और नवे कनेक्शन का 30,000 रुपया दो। तो भाई जब ये टाकी जो है कोई लीडर ने अपने फंड से बनाया था, अशोक यादव ने अपने फंड से बनाया था, तो अशोक यादव ने इसको अपने आदमी को चलाने दे दिया और वो आदमी इसमें जो है आज 30 लाख रुपए का घोटाला करके बैठा हुआ है। इसका जवाबदार कौन है? अरे वो आदमी कौन है जो आप जिसका नाम नहीं लेना चाहते? बोला ना, कांग्रेस का ब्लॉक प्रेसिडेंट है, जिसके ऊपर जो है उसकी मैं आपको फोटो भी बताता हूँ। बहुत सी जगहों पर जो है ये जो है साथ में ही रहते हैं लोग, समझ रहे? और मेरे को ये नहीं समझ में आ रहा है क्या भाई, जितनी भी पानी की टाकी है, ये देखो, ये जो है, ये देखो, ये कौन लीडर साथ में है? ये कांग्रेस के जो एक्स MLA वही साथ में है। आज अडानी वाले ने ये टाकी के ऊपर 3 बार रेड किया था। 3 बार रेड करने के बाद में फाइन जो है 20 लाख रुपया पहुंच गया। तो आप मेरे को बताओ कि भाई जब गरीब के घर में लाइट का 10,000 भी बिल हो जाता है तो ये लोग आगे मीटर काट के लेके चले जाते हैं, तो ऐसे कौन से बड़े लीडर का प्रेशर है जिसके वजह से ये 20 लाख रुपया नहीं भरा है, फिर भी वहां पर लाइन चालू थी और अचानक अडानी ने आके पूरा मीटर केबल सब कुछ लेके चले गया? तो भाई जब 1-2 लाख रुपया बाकी था तभी ये सब कर देता तो आज आवाम को इतनी परेशानी नहीं होती थी। जब 1-2 लाख रुपए की बात थी तो ये क्या करते है, अपने लीडर को बोलते है भाई अडानी में फोन करो, और अडानी वाला रुक जाता है। फिर जब ये 5 लाख होता है फिर ये लीडर को बोलते हैं फोन करो, फिर लीडर गलत चीज के लिए फोन करता है, ये चीज 10 लाख हो जाती है। आज ऐसा फोन कर करके इन लोग ने 20 लाख कर दिए। अपना जो एक आदमी है उसको बचाने के चक्कर में पूरी आवाम को इन लोग ने परेशानी में डाल दिया हुआ है। आज आप लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे, जो लोग हर महीना पैसा भी दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं, लेकिन फिर भी आज देखे 5 दिन से पूरा पानी नहीं है, तो ये पैसा जा रहा कहाँ? ये पैसा जो है समीर भाई, ये लोग जो है अपने पर्सनल यूज में ले ले रहे हैं। आज इसकी अय्याशी हो रही है। आज इन लोग जो है वही पैसा जो जनता का पैसा है, आज अशोक यादव को ये सोचना चाहिए कि भाई जो आदमी को इसने चलाने दिया हुआ है वो महीने का 2.5 लाख रुपए पब्लिक का लेके खर्चा कर दे रहा है। वहां पर टाकी का मेंटेनेंस मुश्किल से 20 से 25-30 हजार रुपया होगा लोगों की पगार वगैरह, और उसके बाद में जो है मीटर का लाइट बिल वगैरह ये वो सब मिला के 50,000 रुपया पकड़ लो, फिर भी उसके अंदर 1.25 लाख रुपया इनको बचता है। लेकिन इन लोग को क्या करना है, इनको ना कोई बिल भरना है ना कुछ करना है, कि इनको ऐसा है कि भाई गलत चीज के लिए मेरा लीडर मेरे साथ बैठा हुआ है। आज क्या है, आगे इलेक्शन है,
तो आज मैं कल वहां पर लोगों के बीच में गया तो इन लोग ने जनरेटर डाल के पानी चला दिए, वो भी क्यों? जनरेटर तो पहले दिन से ही कर सकते थे, अचानक से आप जब विजिट किए उसके चार दिन के बाद जनरेटर कहां से याद आ गया? आज समीर भाई यही तो तकलीफ है, ये आगे बढ़ के खुद कुछ भी नहीं कर रहे, जहां मैं जाता हूं तो इनको याद आता है भाई आरिफ वहां पर पहुंच गया, लोग आरिफ क्यों हो जाएंगे, तो हम लोग ऐसा कुछ करो क्या भाई, पब्लिक आरिफ के पास जाना नहीं चाहिए। आज डोंगर पे कल मैंने जो देखा, क्या जो हमारी माँ बहन है वो रो रही थी, कितने लोग परेशान थे, कोई हंडा लेके यहाँ भाग रहा है, कोई हंडा लेके वहां भाग रहा है, कोई इससे मिन्नतें कर रहा है कि भाई मेरे को एक हंडा पानी दे दो। यहाँ तक के जब मैंने बीएमसी से वो जो अजमेरी सोसाइटी है जो बिल्डिंग है वहां पर मैंने टैंकर का पानी भेजा, तो यकीन मानो एक मेरी एक बच्ची थी, उसका ये बोलना था कि भाई मैं आज दो दिन के बाद है ना वजू कर रही हूँ, वो बच्ची का ये बोलना था कि भाई दो दिन के बाद वजू कर रही हूँ, ये लोग ने ऐसी हालत बना के रखी है। तो मैं आवाम को एक मैसेज देना चाहूंगा कि आप जब भी इनको पैसा दो तो इनसे ये पूछो क्या भाई तूने बिल भरा क्या नहीं, पहला पिछले महीने का बिल साथ में लेके आ और वो बिल चेक करो, उसके बाद में इनको पैसा दो क्या, हाँ भाई ये बिल भर रहा है। देखो वो मेहनत करके अगर पैसा ले रहा है तो वो उसका हक है, लेकिन वो अगर पूरा खा के आवाम को परेशान कर रहा है तो ये वो बड़े लीडर की गलती है जिसने उसके सर के ऊपर हाथ रखा हुआ है, जिसके वजह से आज डोंगर की आवाम परेशान है। अरे भाई जनरेटर कितने दिन तक चलेगा? एक जनरेटर करीब मैं मानू के 10 से 12 हजार रुपए लगता है, कल तो हो गया, अभी कल का क्या अरिफ भाई, फिर और आगे है क्या? जब तक अडानी का, जब तक इलेक्ट्रीशियन आएगा नहीं, जब तक लाइन लगी, जब तक लोगों को पानी मिलेगा, ये जनरेटर का सिलसिला कितने दिन तक चलेगा ऐसा? आज समीर भाई इन लोग ने एक दिन जनरेटर लेके आ गए, सही है, अभी ये कल या परसों तक, अगर आपके चैनल के थ्रू मैं ये मैसेज देना चाहूंगा इनको कि कल या परसों तक जो है वहां पर अगर प्रॉपर पानी नहीं आया और आप लोग ने लाइट का बिल नहीं भरा, हाँ उसमें कुछ पैसा कम पड़ रहा है तो मैंने कल भी ऐलान किया था कि मैं वो पैसा देने राजी हूँ, वो आप लोग मेरे से लेके जाओ, जो भी लाख दो लाख रुपया कम पड़ रहा है मैं देने राजी हूँ, वो मेरे से लेके जाओ, लेकिन आवाम को परेशान मत करो। जब वोट देने के लिए कैसा घर घर जाते हो वैसे अभी घर घर जाओ और लोगों की परेशानी सुनो। आज वहां पर जो है एक दिन जनरेटर आ गया था, लेकिन ये जनरेटर ये लोग बार बार नहीं ला सकते समीर भाई, कितने दिन जनरेटर आएगा? एक जनरेटर का वाला 5,000-10,000 ऐसा चलता है तो कितने दिन जनरेटर आएगा? तो मैं ये मैसेज देना चाह रहा हूँ कि भाई जल्द से जल्द तुम लोग वहां पर पानी जो है लेके आ जाओ, जो ये सब बिल वगैरह क्लियर करके, नहीं तो मैं पूरी आवाम को लेके बीएमसी के ऊपर भी मोर्चा लूंगा और डीएन नगर पुलिस स्टेशन के ऊपर भी मोर्चा लूंगा। क्या ये चीटर लोग को जो है, आप लोग इनको पब्लिक को जो है ये चीटर लोग के हाथ से बाहर निकालो। 18 लाख रुपया बिल है तो लोग कैसा मैनेज करेंगे, कैसा क्या करेगा आदमी? अभी समीर भाई 18 लाख रुपया बिल है तो उसका जो है इन लोग ईएमआई करा सकते है क्या भाई, हर महीना हम लोग इतना इतना भरेंगे, सही है। देखो आज पब्लिक से 2.5 लाख रुपए का कलेक्शन हो रहा है तो मैं समझता हूँ उसके अंदर भी अगर ये सही से भरेंगे ना तो ये चीज खत्म हो जाएगी, एक साल के अंदर ये चीज खत्म हो जाएगी। और जो पैसा बचता है मैं तो आपके चैनल पे भी बोल रहा हूँ क्या भाई, वो पैसा मैं भी देने राजी हूँ, मेरी माँ बहनों की तरफ से जिनको वहां तकलीफ हो रही है उसकी तरफ से मैं ये पैसा देने राजी हूँ ताकि मेरे इलाके में तकलीफ ना हो किसी को। तो अडानी का हो गया लाइट, अपना इस पानी का भी बिल बीएमसी का बाकी है, वो भी पेड नहीं हुआ है, ऐसी कितनी टाकी है जो ऐसा अनपेड है बिल अभी तक? अभी वहां पर देखो समीर भाई एक टाकी का मसला सामने आया है, सही है, तो अपन ये टाकी पे बात कर रहे, कल जब दूसरी टाकी का जैसे बिल की बात है, अभी ये मेरे ये नहीं समझ में आ रहा है कि बीएमसी वाले भी इतने दिन तक क्यों रुके हुए, क्या बिल 10-10 लाख 15-15 लाख हो जा रहा है, कौन से लीडर तुमको प्रेशर कर रहा है? भाई लीडर जो है पब्लिक का फायदा कराना चाहिए, लेकिन यहाँ पर जो लीडर है वो एक व्यक्ति का फायदा कराने के चक्कर में या दो व्यक्ति का फायदा कराने के चक्कर में पब्लिक को जो है तकलीफ में ढकेल दिया जा रहा है। और ये एक टाकी की कहानी नहीं, मैं समझता हूँ सब डोंगर की टाकी की यही कहानी है, बहुत कम ऐसी एक दो टाकी होगी जिसका पूरा पानी का पैसा जो है वो पेड है और वो सुकून से जो है अच्छे से वो लाइन चला रहे। अरे भाई कुछ ऐसा रास्ता नहीं निकल सकता ताकि डायरेक्ट बीएमसी से पानी आवे टाकी के थ्रू और टाकी के थ्रू डायरेक्ट लोगों तक जाए, इसमें कोई पॉलिटिक्स कोई एनजीओ इन्वॉल्व नहीं हुए? अभी समीर भाई तकलीफ ये है कि भाई अभी यहाँ पर जो है बीजेपी जीती हुई है, तो मेरे ये नहीं समझ में आ रहा है कि बीजेपी वाले को मुस्लिम एरिया में काम करने से क्या तकलीफ है, समझ रहे? अमित साडम को मुसलमान एरिया में काम करने से क्या तकलीफ है? अगर ये सोचते हैं कि भाई यहाँ की पब्लिक वोट नहीं देगी इसलिए मैं काम क्यों करूँ, तो इनकी सोच गलत है। मैं इनको एक मैसेज देना चाहूंगा कि सिर्फ 200 वोट का फर्क है, कितने वोट का?
सिर्फ 200 वोट का फर्क है, और इसमें से सिर्फ 200 पब्लिक इधर से उधर हो गई तो किसी की कुर्सी आ सकती है और किसी की कुर्सी जा सकती है। तो मैं ये एक मैसेज देना चाहूंगा कि इलाके का बंटवारा मत करो, ये पानी के मसले में आप लोग हिंदू मुस्लिम मत करो, आप लोग जो है उतरो। और ये कांग्रेस के लीडरों को भी मैसेज देना चाहूंगा कि आप लोग जो है गलत लोग का साथ मत दो। सही है, आज अगर 20-20 लाख रुपया बिल बढ़ जा रहा है और तुम जाके ऑफिसर से बात कर रहे हो कि भाई इसको और मौका दो, और मौका दो, यानी आप लोग पब्लिक के साथ जो है विश्वासघात कर रहे हो, पब्लिक के साथ धोखा कर रहे हो। और यही पब्लिक है जो तुमको सीट पे बिठाती है और यही पब्लिक है जो तुमको सीट से उतारती है। तो ये जो 600 घर है आने वाले इलेक्शन में, इन दोनों को जरूर बताएगा क्या भाई क्या तकलीफ उन्होंने झेले और उनको किसका साथ देना है। गली न्यूज से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।